भाई यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया था कि अगर आपका कूलर का पंखा जाम होगा तो किस प्रकार से सही कर सकते हैं, तो कुछ उन्होंने ट्रिक बताई थी, वो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा। क्या उससे ये चल पाएगा, ये जाम है ये पंखा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ढंग से चल भी नहीं रहा है, इसको हाथ से मैं घुमा रहा हूँ तो ये ढंग से नहीं घूम रहा है, ये जाम है। अगर सही होता तो ये अब तक तो काफ़ी बार घूम जाता। तो यहाँ पर आप करना क्या है, मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना है। तो आपको इस प्रकार के छेद मिलेगा, ठीक है, दो मिलेंगे, इसके डाट होती है, इनकी डाट हटानी पड़ती है, इसमें से वो निकल चुकी है पहले ही, ठीक है। तो ये देख लीजिए, एक तो ये हो गई, आप अच्छी तरह देख लीजिए, दूसरी ये रही, तो इसकी डाट है ये, तो इसकी हटा देनी है ऊपर से, ठीक है। ऊपर से हटाने के बाद में गाइस इसमें क्या है कि जो मशीन का तेल होता है ना, वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें हमको कुप्पी की सहायता से इसमें तेल डालना है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाट है, इस प्रकार से आप देख लीजिए। तो उसके बाद में गाइस जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कुप्पी से इसमें तेल डालना है। तो यहाँ पर मैं तेल डालता हूँ आपके आँखों के सामने, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये मशीन का तेल है, ठीक है। जो घरेलू मशीन होती है उनमें हम इसका यूज लेते हैं, सिलाई मशीन होती है जो, ठीक है। तो उसके बाद हमका यहाँ पर आप देख लीजिए, और यहाँ पर एक और ये, तो ये दो छेद हैं, इन्हों में हमको थोड़ा थोड़ा तेल डालना है, और तेल डालने के बाद में पंखा को भी थोड़ा थोड़ा घुमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे देख सकते हैं मैंने डाल दिया है इसमें, और भी मैं डाल रहा हूँ, आराम से अंदर तक जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा पंखा घुमा लेता हूँ इसका, और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से पंखा घुमा लेना है, और इसी प्रकार से दूसरा जो छेद होता है उसमें भी घेर देना है तेल, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख लीजिए गाइस, तो यहाँ पर मैं आगे मिलता हूँ आपको। दूसरा छेद है जो, उसमें मैं यहाँ पर तेल डाल रहा हूँ कुप्पी की सहायता, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको भी डाल लेना है, और मैंने जैसा कि आपको बता दिया है, तेल थोड़ा थोड़ा डालने के बाद में आपको इसको घुमाना भी है पंखा को, ठीक है। तो इससे क्या है कि अगर थोड़ा बहुत कोई जाम होगा तो सही हो सकता है, यहाँ पर 100% तो गारंटी नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं इस प्रकार से इसको सही करने की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसमें तेल डाल दिया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद में इसको घुमाना है, और घुमाते रहना कुछ समय के लिए, एक दो मिनट तक इसको घुमाते रहना है, हो सकता है अगर आपका सही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर गाइस इसका रिजल्ट जो भी होगा मैं आगे आपको बताऊंगा, ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्या होगा आखिरकार, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है, तो गाइस इस प्रकार से आपको घुमाना कुछ समय के लिए। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पर मैंने जो जो ट्रिक फॉलो की थी मैंने आपको बता दी है, तो आपको ट्राई करना है, आपको चेक करना है कि आपको चलता है नहीं चलता है। मैं अपनी बताऊँ तो मेरा पंखा नहीं चला था, क्योंकि ज़्यादा जाम हो रहा है तो उसकी वजह से नहीं चला। अगर आपको थोड़ा बहुत जाम है तो आप इस प्रकार से